मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कम डरती हूँ, मैं मरने से कम डरती हूँ। मिलने के नहीं नायाब ऐसे बहनों को तो रुखसत नहीं करते भाई, ऐसे बेटी को तो मैके से नहीं भेजते हैं, ऐसे तारीख तो कौमें नहीं लिखती हैं अपनी, ऐसे तकदीर पे शमशीर कहाँ चलती है, ऐसे उम्मीद को कब कत्ल किया जाता है, अपने आइंदा से यूं खौफ कहां होता है। छोड़ें बच्चों के लिए आग लहू का विरसा, ऐसे माँ बाप तो दुनिया में नहीं होती ही, ऐसे बहनों को तो रुख्सत नहीं करते भाई। ये 1957 में सर्दियों की एक सुबह थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाड़काना में अपनी आबाई हवेली अल मुर्तज़ा की छत से एक उड़ते हुए जंगली तोते पर गोली चलाई और वो तोता मरकर जमीन पर गिरा। उनके साथ उनकी 4 साला बेटी बेनजीर खड़ी थी। उन्हें तोते की मौत का इतना सदमा हुआ कि वो बेतहाशा रोने लगी, यहाँ तक कि उनका चेहरा आंसुओं में डूब गया। उन्होंने तोते को हवेली के लॉन में दफन कराया और उसके गम में खाना खाने से इनकार कर दिया। सन 1978 में भुट्टो साहब ने फांसी की कोठरी से अपनी लाडली बेटी को 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इन लफ्जों में खिराज तहसीन पेश किया कि वो छोटी सी बच्ची जो एक तोते की मौत पर इतना रोई थी, ऐसी खूबसूरत और फौलादी आसाब की मालिक खातून बन गई है जो जुल्म की तवील रात से मर्दानावार पंजा आजमा है। भुट्टो साहब ने अपनी बेटी के नाम इस तारीखी खत में लिखा कि अब मैं 50 साल का हो चुका हूँ, तुम्हारी उम्र मुझसे आधी है, जब तक तुम मेरी उम्र को पहुँचो अवाम की भलाई के लिए तुम्हें मुझसे दुगना काम कर लेना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस रास्ते में इम्कानात बेपनाह लेकिन खतरात भी बहुत हैं, लेकिन क्या हम इन खतरात से घबरा कर अपनी आने वाली नस्लों के लिए अंग्रेजी शायर टेनिसन का सिर्फ ये नोहा अपने पीछे छोड़ कर जाएं जिसमें वो कहता है कि अभी जबकि मैं 50 बरस का हूँ, दुनिया इतनी तलख है, अगर कुदरत ने मुझे 50 बरस तक जिंदा रखा तो खुदा जाने उस वक्त तक मैं क्या हो जाऊंगा। क्या ये बात हैरत अंगेज नहीं कि एक परिंदे की मौत पर आंसू बहाने वाली बेनजीर की जिंदगी का चिराग सिर्फ 54 साल की उम्र में गुल कर दिया गया। और उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो, शाह नवाज भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, इनमें से कोई भी तबी मौत नहीं मरा। ये सब 50 साल से कम उम्र में या उसके लगभग इस दुनिया से उठा लिए गए। आज ये सब गड़ी खुदा बख्श के अपने आबाई कब्रिस्तान में
ابدی نیند سو رہے ہیں۔ انہیں اپنی مختصر زندگی میں بہت کم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ اب یہ کنبہ آسودہ خاک ہو کر یکجا ہو گیا ہے۔ دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم ہونے کے حوالے سے محترمہ بے نظیر بھٹو ایسے اعزاز کی مالک ہیں جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ دو بار عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچی۔ انہوں نے یہ اعزاز رات کی تاریکی میں شب خون مار کر ٹینکوں اور سنگینوں کی مدد سے نہیں، ایک بڑی جاندار اور فعال عوامی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے یہ منصب حاصل کیا تھا۔ بھٹو صاحب کے بعد اس پارٹی کو متحد اور منظم رکھنے کا سہرا بھی محترمہ کے سر جاتا ہے۔ وہ مرتے دم تک اپنی پارٹی کی چیئر پرسن رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی خود نوشت سوانح حیات دختر مشرق کے دوسرے ایڈیشن کے دیباچے میں، جو ان کی شہادت سے چند مہینے پہلے شائع ہوا تھا، لکھا ہے کہ یہ زندگی جو مجھے ملی، یہ میں نے اپنے لیے خود منتخب نہیں کی تھی، بلکہ خود اس زندگی نے مجھے منتخب کیا تھا۔ اور یہ بات صحیح بھی لگتی ہے۔ ایک خوشحال گھرانے کی ناز و نعم میں پلی ہوئی لڑکی، جس کا باپ ملک کا وزیر خارجہ، صدر اور وزیر اعظم رہا، جس نے آکسفرڈ اور ہارورڈ کی اعلیٰ ترین درس گاہوں میں تعلیم پائی، اور جو آکسفرڈ جیسی یونیورسٹی کے طلبہ کی ڈیبیٹنگ یونین کی صدر منتخب ہوئی۔ دو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کی کوٹھری سے اپنے آخری خط میں جو کچھ لکھا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ نئی نسل کے نمائندے کی حیثیت سے جنگوں کے خاتمے، معاشرتی ناہمواری کو دور کرنے، محنت کشوں کے حالات کار کو بہتر بنانے، انسان کی عزت اور وقار کو بحال کرنے، اور ایسی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے جو اس ملک کے عوام سے دیانت داری کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکے۔ بے نظیر نے یہی کچھ کیا۔ انہوں نے 70 گرفتن میں نظر بندی اور سکر اور کراچی کی جیلوں میں قید تنہائی کے طویل دور گزارے۔ اس سے پہلے وہ سہالہ جیل میں بھی ایسے ہی حالات سے گزر چکی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک رات وہ سکر جیل میں شدید سردی سے ٹھٹھر رہی تھی کہ ایک وارڈن نے ترس کھا کر انہیں اپنے موزے دے دیے، لیکن پھر اگلے دن اس نے موزے واپس لے لیے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ جیل میں بی بی کے حوصلے پست کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ کبھی انہیں یہ بتایا گیا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے، کبھی انہیں اسپتال اور ایک سے دوسرے عقوبت خانے میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جاتا، کبھی پی آئی اے کے طیارے کے اغوا کے معاملے میں ان کا ناطہ الذوالفقار سے جوڑ کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی۔ ستمبر 1981 میں سنم بھٹو کی شادی ہوئی تو بے نظیر کو ایک دو دن کے لیے کراچی سینٹرل جیل سے نکال کر 70 کلفٹن پہنچا دیا گیا، لیکن شادی کی اگلی صبح پولیس نے انہیں دوبارہ جیل پہنچا دیا، جہاں وہ پچھلے 7 مہینوں سے قید تنہائی کاٹ رہی تھی۔ اپنی خود نوش سوانح میں محترمہ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کراچی سینٹرل جیل میں رات کے وقت انہیں ڈرانے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کیے جاتے تھے۔ کبھی سیلز کے باہر تاریکی میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتی، کبھی ہلکے ہلکے گھنٹیاں بجنے لگتی، کبھی ایسے لگتا کہ کوئی لوہا کوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کئی بار میٹرن سے اس کی شکایت بھی کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن
جیل کی ایک اور خاتون قیدی محافظ کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کو چوروں نے قتل کر دیا تھا, شاید یہ اسی کی روح ہے جو بھٹک رہی ہے. کئی سال کی قید تنہائی اور نظر بندی کے بعد بالآخر محترمہ بینظیر بھٹو کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی, جہاں سے وہ 10 اپریل 1986 کو واپس پاکستان آئی. ان کا طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا, جہاں 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد نے ان کا تاریخی استقبال کیا, اور یوں ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف عوامی جدوجہد کے نئے دور کا آغاز ہوا. ذوالفقار علی بھٹو نے نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے لوگوں سے عہد لیا تھا کہ وہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, مرو گے, اور جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. چند سال بعد ان کی بیٹی اتنے ہی پرجوش انداز میں ایک جمہوری پاکستان کی تعمیر کے لیے اہل وطن سے وعدہ لے رہی تھی. جدوجہد کا یہ دور ایک طرح سے تجدید عہد کا دور تھا. کروڑوں پاکستانیوں کو مایوسی کے ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے جے قامر نے اپنی تباہ کن پالیسیوں کے ذریعے ملک پر مسلط کر دیا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے عوام کو ایک نئی امنگ اور نیا حوصلہ دیا, اور اسی حوصلے اور جذبے نے پے در پے دوبارہ 1988 اور 1993 کے انتخابات میں محترمہ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سیاسی منصب پر فائز ہونے کا جواز عطا کیا. اس سے پہلے دسمبر 1987 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آیا, جب ان کی شادی جناب آصف علی زرداری سے انجام پائی, جس کے بارے میں محترمہ نے خود کہا, زرداری صاحب نے ہر وقت میری عزت کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر کے میں بہت خوش رہی ہوں. میرے کو سہارا بھی دیے ہیں, وہ اچھے باپ ہیں, مشکل دن بھی ہوئے مگر اس نے اپنی ہمت کبھی نہیں ہاری. محترمہ بیک وقت ایک ذمہ دار بیوی, محبت کرنے والی ماں اور ایک ذہین سیاستدان تھی. ان کا کہنا تھا کہ تیسری بیٹی آصفہ میرے لیے بہت خوش نصیب ثابت ہوئی. یہی بات ان کے بیٹے بلاول اور بڑی بیٹی بختاور کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بینظیر ایک راضی برضا خاتون تھی. 20 سال کی ازدواجی زندگی میں ان کے شوہر 11 سال جیل میں رہے, اور وہ خود ایک طویل جلا وطنی کے عذاب میں گرفتار, کبھی دبئی, کبھی لندن اور کبھی امریکہ کے دوروں پر جاتی رہیں. لیکن اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت اور شوہر کی خبر گیری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, اور ہر حال میں پارٹی کو یکجا اور منظم رکھا. محترمہ بینظیر بھٹو 1996 میں اقتدار سے محروم ہوئی تھی, لیکن اپنے عوام کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا پختہ اور لازوال تھا کہ عملی سیاست سے 11 سال کی علیحدگی کے بعد بھی جب وہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آئی تو انہوں نے ان لاکھوں افراد کو پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے استقبال کے لیے منتظر پایا, جن کی محترمہ اور پارٹی سے وفاداری غیر متزلزل رہی. کوئی میڈیا ٹرائل, کوئی تیرے الزام اور کوئی سنگ دشنام انہیں اپنی لیڈر سے دور نہ کر سکا. اور وہ قوتیں جو چاروں صوبوں کی اس زنجیر کو کاٹنے کی اور پاکستان کو جمہوری عمل سے دور رکھ کر غیر مستحکم کرنے کی فکر میں تھیں, انہوں نے کرائے کے قاتلوں کا سہارا لیا اور وہ دھماکہ کر دیا جس نے 200 بے گناہوں کو شہید اور زخمی کیا. محترمہ نے اسے جمہوریت پر اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں پر حملہ قرار دیا, لیکن ان کے عزم اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ان کے ویژن اور لگن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. دا
منتخبات کے حوالے سے لاڑکانہ اور نواب شاہ میں ان کی دو تقریریں عوام پر ان کے اعتماد اور ان کی پارٹی کے پروگرام پر خاصی وضاحت سے روشنی ڈالتی ہیں۔ لاڑکانہ کے جلسہ عام میں محترمہ نے اپنی تقریر میں کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کیا مگر غاصبوں نے، آمروں نے غیر مشروط وقت کے لیے اسمبلی کا سیشن ملتوی کیے اور پیپلز پارٹی میں دھرا بنائے اور ایک ووٹ سے ایک جعلی حکومت، عوام دشمن حکومت قوم پر مسلط کیے، ایک طرف انتہا پسند، دوسرے طرف تخریب کار، تیسرے طرف غربت، چوتھے طرف بے روزگاری۔ اے صوفی کرام کے سرزمین سے یہ سیون شریف کے کلندر بادشاہ کے سایہ میں میں کہنے چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پیغام، آپ کا پیغام، میرا پیغام، امن کا پیغام ہے، بھائی چارہ کا پیغام ہے، دوستی کا پیغام ہے، امید کا پیغام ہے، خوشحالی کا پیغام ہے، ترقی کا پیغام ہے، جیے بھٹو صدا جیے کا پیغام ہے۔ اے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو، آپ گھڑی خدا بخش میں اپنے آرام گاہ میں ہیں مگر یہ تالیاں آپ سن سکتے ہیں، قوم نے آپ کو نہیں بھولا، غریبوں کو، غریبوں نے قائد عوام آپ کو نہیں بولا بھولا۔ آپ کی بیٹی ہو، آپ کے یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ مائیں ہوں، اب تک ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ۔ اسی طرح نواب شاہ کے جلسہ عام میں محترمہ بینظیر نے کہا، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہو۔ ہاں ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کبھی سندھ کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم قانون کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی نظام ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے قائد عوام کو قتل کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ کے بہن کے کردار کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ کے بھائی آصف زرداری کو یرمک حمال کر کے ان کو قید خانے میں سزا کے بغیر 8 سالوں کے لیے رکھا گیا، مگر آپ نے غلامی قبول نہیں کی، اور کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم غلامی قبول نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قائد عوام نے یہ پارٹی بنائی، یہ ایک واحد وفاقی جماعت ہے، اور ہمارا نعرہ ہے، قائد عوام نے کہا کہ یہ پارٹی، میرے کو کہا بیٹی، یہ پارٹی بنی ہے، یہ پارٹی بنی ہے غریبوں کے لیے، کیونکہ اس دھرتی کے حقدار عوام ہیں، خلق خدا اس دھرتی کے حقدار ہیں۔ اور قائد عوام نے نعرہ دیا، چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور یہ نعرہ 40 سال پہلے قائد عوام نے دیا، مگر اس 40 سال سے لے کر کے آج تک ہم غربت مٹا دیتے تھے، مگر عوام دشمن قوتیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ غریبوں کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کو دبایا جائے تاکہ عوام کو دبایا جائے، ان کی یہ کوشش تھی کہ بم کے دھماکوں سے ان کو ہم اڑا لیں گے تاکہ کوئی نہیں زندہ رہے گا کہنے کے لیے کہ چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ مگر میں ظالموں کو کہنے چاہتی ہوں، میں آج کے یزیدوں کو کہنے چاہتی ہوں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ اپنی دولت کو وہاں نہیں لے جا سکیں گے، آپ خالی اچھا نام لے جا سکتے ہیں، اور اچھا نام اس کا ہوگا جو لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان دے گا۔ لوگ کہیں گے عوام ہیرو ہیرو،
बाकी सब जीरो जीरो, अवाम हीरो हीरो, बाकी सब जीरो जीरो। मुझे आप नहीं, आप खुद से जुदा कर सकते, कभी नहीं जुदा कर सकते। मैं हुकूमत में रहूं ना रहूं, और आप मुझे अलहदा नहीं कर सकते। आप अपने देहातों से, अपने घरों से, अपनी झुग्गियों से, अपने मकानों से, अपने खानदान से, अपने बच्चों से, ना मैं आपके बच्चों से और आपके खानदान से अलहदा हो सकता हूं, जुदा हो सकता हूं, ना आप मुझसे जुदा हो सकते। हमारा लगन ऐसा है, ये लगन कट नहीं सकता, ये लगन किसी सूरत में नहीं कट सकता। ये लगन एक तारीखी लगन है, इस लगन पर एक मोहर आ चुकी है, एक जबरदस्त मोहर आ चुकी है। इस लगन को किसी सूरत में कोई शख्स, कोई जमात, अंदरूनी और बैरूनी ताकत नहीं काट सकती। ये मेरा ईमान है। मैं हुकूमत में रहूं ना रहूं, मैं मर जाऊं ना मर जाऊं, ये फैसला है, ये आखिरी फैसला है पाकिस्तान की अवाम का और मेरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जब अपने लाशों को उठाते हैं तो फिर भी कहते हैं कितने भुट्टो मारोगे, हर गली से भुट्टो निकलेगा, कितने भुट्टो मारोगे। और अब 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी का जलसायाम, जहां मोहतरमा ने अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर की। जानो मेरे भाइयों, ये हुकूमत संभाल नहीं सकती, आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है, आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। और आज जब ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ, बलोचिस्तान में देखो, शिमाली इलाके में देखो, हमारे मस्जिदों में देखो, ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी इलाके पर आई हूँ। लेकिन बंदूक थामे हुए उन हाथों ने, जो पाकिस्तान के अवाम को हीरो बनते नहीं देखना चाहते थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार तक पहुंचाया, जिन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को 70 क्लिफ्टन की दहलीज पर मौत के घाट उतारा, जिन्होंने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को भरे मजमे में शहीद किया, जो कराची में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को निशाना बनाने की मशक कर चुके थे, उन्होंने रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमहूरियत, शाइस्तगी और इंसानियत को एक बार फिर खून में नहला दिया। बेनजीर भुट्टो उसी बाप की बेटी थी जिसके पास अपनी जान बचाने के लिए कई रास्ते थे, लेकिन उसने मुल्क से जाने के बजाय दुनिया से जाने को तरजीह दी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी रास्ते से हटाने वालों ने बराह रास्त और बिलवास्ता संगीन नतायज की धमकियां दी थी, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने मुल्क और कौम का कर्ज अपनी जान से देकर चुका दिया। ऐसे तमाम लोग दुनिया से नहीं जाते, वो तारीख में चले जाते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं। किसी ने सच कहा है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। दिल के शायारा
मिलने के नहीं ना आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और मैं हूँ शिफा यूसुफ जई। और आज हम जिस खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम सियासत की दुनिया में जितना मशहूर है उसका अंदाज़ा आपको उनका नाम सुन के हो जाएगा, लेकिन ये चंद उन खवातीन में से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर होता ये है कि सियासत में खवातीन कम होती हैं, जो होती हैं तो फिर ऐसी होती हैं कि उनको देख कर मर्द परेशान हो जाते हैं कि इतनी टैलेंटेड और इतनी ज़्यादा हाई अचीवर खवातीन हैं तो फिर हम उनसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे। हमारी आज की खास मेहमान हैं शहरी रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। थैंक यू। पहला सवाल तो मैं आपसे यही कर लेता हूँ कि ये इतनी सारी किताबें जिस शख्स के घर में मौजूद हो उस शख्स के जहन में क्या क्या होगा? केओस नहीं कि इतनी सारी अभी ऊपर जो है ना पढ़ी नहीं है, यहाँ तो सेटल्ड है थोड़ी सी। अच्छा, और कराची के घर में इससे बहुत ज्यादा है, दे रैप अराउंड द होल हाउस। किताब जब खरीदती है क्या सोच के खरीदती है किताब? राइटर को देखती है या बाइंग तो बुक्स एंड पेंटिंग्स होती है तो नहीं, बाय ऑथर तो नहीं ज़रूरी होता है। अच्छा। लेकिन सब्जेक्ट, ऑथर, इंटरेस्ट, फिक्शन भी पढ़ती हूँ मैं। अभी मैंने कल जूलियन बार्न्स की नई किताब ख़रीदी है, द मैन इन द रेड कोट, वेरी एक्साइटेड टू रीड दैट। और बहुत सी चीज़ें, लेकिन एक हॉल रहती है इन द एज ऑफ नेटफ्लिक्स एंड टेलीविजन, बिल्कुल जो अब इंफोटेनमेंट हो गया। अभी आप लोगों के न्यूज़ चैनल्स अब एंटरटेनमेंट चैनल्स, देयर इज़ नो न्यूज़, तो बस वो बिटवीन दैट रात हो जाती है, बहुत बहुत रात हो जाती है। व्हाट इज द रीडिंग टाइम? लेट नाइट, खामोशी में, लेट नाइट या जहाज पे। जितने डाइवर्स सब्जेक्ट्स की ये किताबें हैं उतनी ज्यादा आपकी डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी भी है। मतलब आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो नहीं हो सकता एक पहलू है, नहीं आप दो दो बैठे में मुझ पे मुसल्लत, मैंने देखा कि दो दो एंकर्स आ रहे, अभी तो शराफत से गुफ्तगू शुरू हुई है, अभी तो मतलब मामला शुरू ही हुए। बट इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, आई मीन आपने अपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी, आपने आर्ट हिस्ट्री भी पढ़ी, सहाफत की आपने, फिर उसके बाद आपने सियासत भी की, और मतलब ये सारी चीजें, सहाफत पढ़ने की जरूरत नहीं होती, करने की जरूरत है, as you should know। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने चूज किया, अगर हम उसी से शुरू करें, उन्होंने मुझे चूज किया। अच्छा, हाँ, उन्होंने कैसे चूज किया आपको? ये क्या भाई, मैंने भी चूज किया उनको बगैर सोचे बेसाख्ता, क्योंकि ये सारी बातें ह्यूमन राइट्स से मेरा इंटरेस्ट था, इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, फिर ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिक्स। भुट्टो साहब वो तो आप उनको देखते ही रह जाते थे, लेकिन मैं उस वक्त बच्ची थी और आई वाज वेरी फैसिनेटेड, बट मेरा कभी ख्याल नहीं था कतन सियासत में आने का। मुझे बीबी शहीद ने रिक्रूट किया जर्नलिज्म से, वो मिलती रहती थी और उनका बड़ा दस्ते शफकत था और ख़ास खुद मेंटर करती थी। उन्होंने 2002 के इलेक्शन के लिए मुझे कहा कि आपने आना है, मैंने कहा मैं तो डरती हूँ भाई। अच्छा। मैं कुछ कह, मैं तो मुंह फट बंदा हूँ, सीधा सहाफत से आ रहा हूँ, सक्सेसफुल जर्नलिज्म से, तो आई डोंट नो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है कि चीज़? नहीं, हमें बिल्कुल ऐसे लोगों की जरूरत है। शी वाज लाइक अ फोर्स ऑफ नेचर। वो घर पहुंच क्या बना ज्वाइन करने का? शी सेड कि नहीं, यू कैन दैट सक्सेसफुल जर्नलिस्टिक करियर, ऑलरेडी लेफ्ट। 10 साल मैंने वो काम कर लिया था, मेरा ख्याल है 10 साल काफी होता है एक पर्टिकुलर करियर तो नहीं मगर एक जॉब के लिए। इनफैक्ट मोहतरमा केम टू माई हाउस एंड शी सेड चेरी आपने छोड़ा क्यों? मैंने कहा बीबी वो आई वॉज नॉट ग्रोइंग, आई नीड टू बी एक्साइटेड बाई माई वर्क एंड चैलेंज। अच्छा, अब ये जो खूबसूरत एक जर्नी आपकी सियासत की, वो जर्नी बताएं बीबी के साथ। उस दिन कल मुझे कहीं 16 डेज ऑफ जेंडर एक्टिविज्म में कहीं मैं बैठी थी और सारे नहीं, उन्होंने कहा आप ये बीवी का बताएं, और उनके बेसाख्त छोटा सा कमरा था, जाने माने लोग थे, बात करते करते मेरी आंखें भर आई, एंड आई एम नॉट श्योर आई कैन स्टिल डू दैट यू नो, बट नहीं शी वॉज वो बहुत ही एक यूनिक, वो एक फोर्स ऑफ नेचर थी, मतलब वो खुद ही बजात खुद एक ऐसी शख्सियत थी जिसको जो कमरे में भी आ जाए तो एक ऐसा लगता था इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अच्छा। कमरे ऑनेस्टली, और जो लोग उनको मतलब मानते नहीं थे या उनके ओपोनेंट्स थे उनसे अगर मिला दो, और एक वो एक दिन आ गई खुद ही कि मैं खाने पे आ रही हूँ, तुमने फना को बुलाया मैं खाने, मैंने कहा बीबी वी वेरी ऑनर्ड, दिस इज बिफोर आई वॉज इन पॉलिटिक्स, तो वो मिलना चाहती थी सहाफ़ियों से, सिविल सोसाइटी से, वो अपना इंगेजमेंट सबसे रखती थी, उनके मुखालिफ भी हों तो उनसे सुनना चाहती थी उनके व्यूज़, और हम जब जर्नलिस्ट थे तो हमें साथ ले जा रही हैं अक्सर,
और सबसे क्रिटिकल जर्नलिस्ट को मैं होती थी उसमें, जफर अब्बास, जाहिद हुसैन, हर किस्म के आरिफ निज़ामी, और हम तनकीद उनकी सख्त करते थे और वो और सारे उनके इर्द गिर्द कहते थे आप इन तनकीद करने वालों को क्यों इतनी लिफ्ट देती हैं। शी सेड ये मुझे सच बताते हैं लेकिन मेरी सियासत समझते हैं, और फ्रैंकली हम थे पीपल्स पार्टी वोटर्स, हम उनकी सियासत भी समझते थे, लेकिन आवर जॉब वाज टू टेल ट्रूथ टू पावर एंड शी वाज द ओनली पावर फॉर अस। हमारे लिए कोई आमिर पावरफुल की हैसियत, शी वॉज पावरफुल अपनी ज़ात से और अपनी सियासत की वजह से, अपनी जिद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल, और ऐसी आई मीन दलेर खवातीन खातून मैंने कभी नहीं देखी। पीपल्स पार्टी में हैं दलेर खवातीन, हैं बाय द वे बहुत दलेर खवातीन हैं और मर्द भी, लेकिन वो जो ख़ास थी, एक तो उनमें वो भुट्टो स्ट्रीक है ना, जो चैलेंज करने का, आप जो पोजीशन ले ली तो ले ली, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या सौदाबाजी नहीं हो सकती। वो उनकी वालिद से था उनको कि हिस्ट्री तारीख हमें किस तरह याद रखेगी, दिस वॉज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ हर माइंड, स्पेशली इन द लास्ट, मतलब उनके जो आखिरी साल थे, और वो पॉलिसी इश्यूज़ में इतनी इंटरेस्टेड थी कि वो बग़ैर पॉलिसी मीटिंग के, यानी कि आप सियासी मीटिंग करते हैं कि जी इसको टिकट देना है, उसको हमने इस तरह मैनेज करना है, पार्लियामेंट में ये करना है, शी वुड या इस एलाय से ये बात करनी है इत्तेहादी, बट उनको था कि इस हर चीज़ का दिल पॉलिसी है, आइडियाज़ हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी इसलिए ज़रूरत है। मैं बाद में उनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन गई 3 साल, जो बहुत बड़ा ओहदा है पीपल्स पार्टी को, और बहुत कलीदी उन्होंने किरदार मुझे अदा करने दिया, जगह भी बहुत दी, मेंटरिंग की, और जितनी उनकी अब मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई इस तरह मिले और जो कॉन्स्टेंटली मुझे ईमेल भेजे और अपनी जहनी कश्मकश के बारे में जैसे मैं उनको भेजती थी और वो बर्दाश्त करती थी, जवाब देती थी, एडवाइस देती थी, हमारे टेंट्रम्स बर्दाश्त करती थी। एक टेंट्रम से बड़ी खूबसूरत नाज़रीन इनका वो रिश्ता है बीबी के साथ, यू नो कि मतलब बहुत क्लोज लोगों में अगर बीबी के हम बात करेंगे तो शेरी वुड बी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। हम डरते भी बहुत और थे बीबी। अब लोगों को जो बता रही हूँ जिस वाक्य की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, एक मरतबा शेरी साहिबा बीबी से नाराज भी हो गई। आपको कैसे मालूम? फिर जब नाराजगी हो गई, मैंने नहीं किसी को बताया, फिर जब नाराजगी हो गई तो नाराजगी जरा चली कुछ दिन, जरा नाराज रही, जरा बात बात नहीं की, फिर एक जगह एक मीटिंग में बैठी हुई थी, वो मैं बताऊंगी, हाल खुद बताया आपको कि मीटिंग में बैठी हुई थी और फिर बीवी को अंदाजा तो था जाहिर है कि शेरी नाराज है, बीवी ने इनको अपने पास बुलाया और अपने काउच के बिल्कुल यानी कि एक तरह से अपनी गोद में अपने करीब बिठा के, और वो जो एक बच्चे को दिलासा देने वाली एक बात होती है और मनाने वाली बात होती है, ये बड़ा की तरह पाला है हमें, उस वाक्य के बारे में बताएं। कोई मुझे एक दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा वो बहुत नहीं, नाराज़गी तो थी नहीं, अक्सर और बेशतर वो देखती थी अगर परेशान लग रही हूँ मैं या कोई ज़्यादा बर्डन है या कोई बात नहीं कर पाई हूँ या कोई बात क्लियर नहीं, बिकॉज बर्डन तो हम लोग उस ज़माने में हम तिगना काम करते थे, जवानी का भी आलम था भाई, खैर आजकल भी शेड्यूल बहुत तंग होता है, लेकिन आई फेल्ट आई कुडंट लेट हर डाउन, यू नो शी वॉज, मतलब वो एक एक मीटिंग के मिनट्स बनवाती थी कोई चीज़ और परफेक्ट, वी अग्रीड ऑन दिस के परफेक्शन होना चाहिए, शी उससे तो जब डांट पड़ती थी तो बंदा थोड़ा सा वो नाराज नहीं, जस्ट परेशान कि यू नो व्हाट हैव आई डन रॉन्ग है, या कभी कभी मुझे आपने मीटिंग में देर से बुलाया या नहीं बुलाया, ऐसी छोटी मोटी चीजें। वो कह रही थी शरी मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, मैं तो भी मैं ऑफिस साइड में थी और फिर पास बुला के बिठा के ऑन द टाइम मुझे शॉपिंग ले जाना, मैं अच्छा दुबई आ जाओ मेरे साथ, तो मैंने कहा मैं काम करने नहीं आऊँगी, मैं ऐसे ही आऊँगी, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती, यू पीपल गिव मी सो मच वर्क, शी इज़ नो टफ सिचुएशंस हैंडल करना, फिर टाइम निकालना अपने बच्चों के लिए। मुझे एक दिन कहने की शेरी तुम वर्किंग मदर हो, तुम्हें ज़रूर यू मस्ट हैव, अगर शहर में हो तो यू मस्ट हैव वन मील अ डे विथ योर चिल्ड्रन, सो यू नो आई रिमेंबर दैट। ये वो काम होगा जो वो खुद करती होंगी? नहीं, वो कर रही करती होती नहीं, रिलीजियसली फिर उनको कुरान पढ़ाना जुमे को, जुमे रात को खुद बैठ के, और उसमें से ये नहीं कि सिर्फ आप बग़ैर समझे उसे पढ़ रहे हैं, फिर उसकी मीनिंग समझाना, उसकी जो सेंट्रल अखलाकी वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़, यू नो इवन आई मैं भी उसमें फिर इन्वॉल्व होने लगी, और नमाज़ पढ़ना वहाँ जाके मस्जिद में, यूएई में तो हम करते थे, तो ये सारी उनकी
वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग थी. अच्छा मिनिस्टर्स बनेंगे, फुल फेडरल मिनिस्टर्स बनेंगे, स्टेट मिनिस्टर्स नहीं होंगे, और एम्पावर्ड मिनिस्ट्रीज, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री वो स्पीक, ये आई मीन ऑल फर्स्ट. मोहतरमा शहीद तो एक दूसरी लीग में थी ना, ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो हो जाती और वो रहती. नहीं, उसके बाद इन्होंने तारीख रकम की है ख्वातीन के लिए, फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मेनी एम्बेसडर्स एंड मेनी अदर पोस्ट. और फिर अपने पार्टी वर्किंग्स में, मतलब हमारा, बल्कि सदाई साहब कहते थे, ओ भाई ये ख्वातीन, फिर बुलाते हैं कहते हैं नहीं काम तो यही करती है ना. एक चीज जो मैं पूछना चाह रही थी, अच्छा क्योंकि अब बीबी की का जिक्र छिड़ गया है, कि जब वो बाहर थी, पाकिस्तान से बाहर थी, और जाहिर है अब रहना है, कतन है, एक लगाई हुई है कि वापस नहीं आ सकती, यहाँ पे एक आमिर ने लगाई है, उस वक्त एक लीडर जो होगा ना, जो एक मुल्क के लिए सोचता होगा, वो उसके लिए ये टाइम बड़ा मुश्किल होगा कि मैं अपने मुल्क वापस नहीं जा सकती. वो दौर उनका कैसा था, और हाउ हार्ट ब्रोकन, या हाउ स्ट्रॉन्गली शी डेल्ट विद इट, हाउ हार्ट ब्रोकन शी वॉज. भाई उनको छोटी छोटी चीज़ें पाकिस्तान की याद आती थी, और लोग समझते थे अच्छा वो रह रही हैं जैसे भी, पर मुझे पता उनका दिल कैसा धड़कता था एक एक चीज़ के लिए. वो सुबह से बैठ जाती थी, वो कॉलर लगा के अपना, उनका स्पाइनल, हम सब की स्पाइनल इंजरीज होने लगी थी एंड में, तो वो बैठी होती थी सुबह से, नीचे जाओ तो उनकी स्टडी में, वो अपनी ईमेल्स, मैंने कभी भी इतनी ईमेल चीज़ें आधी आप आंसर कर लेंगे मेरे लिए, मैंने कहा ऑन योर बिहाफ तो हमें करना पड़ता है पुलिस, मगर ज़्यादातर वो खुद करना चाहती थी. वो अगर हम भी आंसर करें, मैं या कोई और उनका असिस्टेंट, जो हम हर काम उनके लिए करने तैयार थे, वो कहती थी नहीं मुझे देखना है मेरा वर्कर मुझे क्या कह रहा है. तो शी वॉज, यू नो जिसे कहते हैं एक्सेसिबल 24/7, वो ये कर रही होती थी. तो एक तो वो ये बात थी कि मैं दूर हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा लोगों से नज़दीक जाना है. ऐसा कोई मेमोरेबल वाक्या उनके साथ, जाहिर आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आपके जहन से नहीं उतर पाती होगी. हम यहाँ से निकले थे F8 से, जहाँ उनका घर था. एक तो मैं दो दफ़ा उनके साथ हाउस अरेस्ट भी हो चुकी हूँ, वो भी एक कहानी है. लेकिन उधर से हम निकले हैं, पिंडी की तरफ जा रहे थे किसी से मिलने, और वो फिर कहने, अच्छा देखो देखो वापस आए हैं, यू नो फैसिनेशन फॉर एवरीथिंग, मतलब सड़क पे भी जो मिल रहा है वो बल्कि उससे ज़्यादा फैसिनेशन. से देखो शेरी, मैं सब्जियों की कीमत पूछना चाहती हूँ. अच्छा बीबी, सिक्योरिटी अलर्ट आप पे सर पे मुसल्लत है, 18 अक्टूबर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का अटैक हम पर हो चुका है, ये उसके बाद की बात है, हम जा रहे हैं और सख्त अलर्ट हुआ हुआ है हम पर, और मुसीबत, और खैर नहीं मुझे उतरना है. अब वो उतरी हैं, वो जो सौदा बेचते हैं ना पिंडी की तंग सड़कों में, अब हम किसी तरह औने पौने, और वो जो उनके बंदे मैडम को बिठाए, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग बस खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग खड़े हो जाओ. खैर वो उन्होंने कुछ सब्जी वब्जी खरीदी, सबके दाम पूछे, मतलब ये नहीं है कि छोड़ना है, हैगल भी किया, दाम भी पूछे, बार्गेनिंग तो नहीं की, मैंने कहा बीबी क्या कर रही हैं आप. अच्छा वो सब किया कि मुझे कीमत पता होनी चाहिए, कुछ आलू खरीदे, कुछ व्हाटएवर. फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, फिर लोग जमा होने शुरू, आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी आप उनके साथ सर्कल कर ले, वो लोग तो आने आने, जो नेसेसरली ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के जियाल हों, बस आम लोग, बस ओ बीबी आ गई. तो यू नो व्हाट शी डिड, बैग खोला, जितने पैसे हैं, हजार हजार के नोट थे, कोई खास पैसे भी नहीं होते थे उनके पास, शी बस वो देना शुरू, सबको देना. ऐसे बीबी ये क्या कर रही हैं, नहीं 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 नहीं, यू डोंट नो कितनी, देखो सब्जियों की क्या कीमत है, देखो क्या कीमत है, ये किस तरह अफोर्ड करेंगे. एंड दे वर नॉट बेगर्स, मगर वो बस देना शुरू सबको, इतना ज्यादा कनेक्टेड थी और कनेक्टेड रहना चाहती थी. आई मीन आई नेवर फॉरगेट दैट, वो तस्वीर भी मेरे पास आ गई, एहसास की बात, ये उनका जहन था. फिर बत्तियां बंद करती फिर रही हैं पीएम हाउस में, आई वाज अ जर्नलिस्ट व्हेन आई वेंट, अच्छा बत्तियां बंद हो रही हैं, यानी कि फिर द रियल ऑस्टेरिटी बिगन फ्रॉम देयर. ओ भाई वी वर फेमस फॉर दैट, मशहूर थे हम ऑस्टेरिटी के लिए. तोबा, लाइटें बंद हो रही हैं, नहीं नहीं यू डोंट नो शेरी, ये तो सब खर्चा हमने रोकना है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है. एक अहम सवाल ये कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल्चर में और दूसरी पार्टीज के कल्चर में क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने, लाइट एंड नोट. सीरियसली तो ये
औरतों के हवाले से जो 50 आपको इम्पोर्टेंट ना लगे, मेरे लिए इट्स अ मेक और ब्रेक थिंग, इट्स अ डील ब्रेकर, इट्स अ डील ब्रेकर. औरतों को, अकलियतों को अगर किसी चीज़ की पैनल हो, नाम देने हो, इट्स नॉट जस्ट टोकनिज्म. एक तो इंक्लूजन बहुत है और सीरियस समझते हैं कि हमें अफर्मेटिव एक्शन लेना है, आगे बढ़ाना है औरतों को. लेकिन फैसला कुन पोस्ट पर भी और टोकन नहीं, यानी कि अगर मैं औरत हूँ मेरी वॉइस होगी पार्टी में. अच्छा, अब हम जरा उस ज़माने से आज के ज़माने पर आ जाते हैं. आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी में शामिल होना बड़ी दिलेरी का ही काम है, क्योंकि आज जिस तरह के हालात में है पीपल्स पार्टी, तो कोई दिलेरी होगा जो यहाँ पर रहेगा. देखिए, पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में हमेशा रहती है. अगर उस हुकूमत मिलती है मुश्किल से, तो किसी मुसीबत या क्राइसिस से बचाने के लिए मुल्क को मिलती है, और उसके बाद मुश्किल वक्त, ये सबको मालूम है. सब जो प्रॉपर जियाल हैं वो उस वक्त के लिए तैयार ही रहते. मुश्किलात और पीपल्स पार्टी के साथ साथ चलेंगे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद. शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगु हो रही है इनसे. पीपल्स पार्टी और मुश्किलात, ये दोनों साथ साथ चलते ही रहे हैं हमेशा, और आजकल भी इसी तरह के हालात हैं. हमेशा क्यों पीपल्स पार्टी के साथ मुश्किलात रहती हैं? मेरी, मैंने एक हेरल्ड पे कवर स्टोरी छापी थी, हुज़ अफ्रेड ऑफ, उस वक्त तो बेनज़ीर भुट्टो था, एंड पीपल हुज़ अफ्रेड ऑफ पीपल्स पार्टी एंड बेनज़ीर भुट्टो था. वाई? क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो चैलेंज करती थी हर आमिर को मुल्क में, नंबर वन. बाकी सब कोई ना कोई पीछे से आ रहे हैं, उनका उनकी जड़ें मिलती थी, ठीक है. दूसरा ये था कि, और वो आमरियत का दौर था और ओपन कॉन्फ्रेंटेशन होता था. सिंध में गनशिप हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, ये वो, कोई टीवी वीवी नहीं रिपोर्ट करती, टीवी था ही नहीं ना, टीवी की मोनोपोली थी. तो फिर अखबारों पे भी सेंसरशिप होती, तो हम उस बैटल ग्राउंड पे होते थे. दूसरी बात ये देखें कि पीपल्स पार्टी उन इश्यूज पर अपना यकीन रखती है और एक कलीदी सुतून मानती है जो बुनियादी इंसानी हकूक से मुंसलिक हों. जब आप वो तकिया कर लें कि हमने इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है, मसलन और ख़वातीन के हकूक या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक, और जो सबसे गरीब तबका है सोसाइटी में, लोग आप देखेंगे मिडिल क्लासेस कहेंगे अच्छा पीपल्स पार्टी से व्हाट्स द वी डोंट अंडरस्टैंड. बिकॉज पहले हम हमेशा बॉटम ऑफ द सोशल पिरामिड को एड्रेस कर रहे होते हैं. सब हमारा मंशूर यही है और सोच यही है कि आपने पहले जो सबसे महरूम तबकात हैं उनको, उनके मसाइल को एड्रेस करना है, और फिर जो 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 मुक्तदर हल्के होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये लोग कैसे इक्तदार में आ जाते हैं, हमसे बात भी नहीं की इन्होंने. और हमारी मेंटल डीएनए में ये है फिल्टर्ड इन कि आपने वफाक को बचाना है. देखिए, हम बांग्लादेश से निकल के आ रहे हैं. अच्छा, लेकिन वफाक को बचाने वाले मामला जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ही अलग हो गए, और अब सिर्फ और सिर्फ 18वीं तरमीम की बात होती है कि अगर 18वीं तरमीम को कोई तब्दील करने की बात करे तो फिर तो ये की वजह से वफाक बचेगा. अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज करें, आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए मैनेज करें, आप NFC अवार्ड को सही मुंतकिल करें किसी बैलेंस की बुनियाद पर, तवाज़ुन की बुनियाद पर, और जो महरूम इलाके हैं मुल्क के, जो सूबे हैं उनके मुतालबात सुने और उनके फिर महरूम लोगों की बात सुने, तो आपका दिल हिल जाएगा. और आप जानते हैं, आप बैंकर्स हैं, आप आगे सबसे मिलते हैं, घाट घाट का आपने भी पानी पिया होगा. आप देखें कि वहाँ जो, जब तक आप उनको एक सियासी धारे में जोड़ेंगे नहीं और आईनी तहफ़ नहीं देंगे उस सियासी धारे को, जंजीर को, ये मुल्क जब 2 लाख हो चुका है, आपकी रीजनल स्ट्रेसेस हैं, आपके आपके पास हिंदुस्तान जैसा है एक नेबर, आपके पास बड़े आपके मसले मसाइल खड़े हैं, तो आप अपने वफाक को इस तरह की जंजीर के साथ मजबूत रखें जो जमहूरी हो, जिससे लोग अपनी तरफ से कहें कि जी हम इस वफाक का हिस्सा हैं, हमारी आवाज सुनी जाए. की बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है महरूम तबके की आवाज. 1973 का आईन तो यही था ना, और 18वीं तरमीम वही है. 1973 के आईन को यकीनी बनाया, वो उस ड्रीम को, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के विजन को पूरा किया है. तो ये पीपल्स पार्टी आके करती है. साल लगा, आप मुझे
नाम बदल दे मेरा कि आज कोई हुकूमत आके एनएफसी अवार्ड दे जाए जिसमें सारी पार्टी सारे सुबह साथ लेके चले, नहीं कर सकते इस वक्त। सिंध में पीपल्स पार्टी ने तीन बड़ी मिस्टेक्स क्या की? देखिए तीन बड़ी बहुत सारी मिस्टेक्स आप कह सकते हैं। हमें फोकस, हमने अपने कामों, सबसे पहले हमने जो काम किए हैं, थर में पानी लाए, अब आपको थर ज़रूर हम भेजेंगे, आप खुद से चले जाएं और आप देखें क्या सूरत हाल है वहाँ, ठीक है। तो पहली हमारी परसों की खबर थी, 8 बच्चे मेरे, तो देखिए हर बच्चा हर शहरी हमारे लिए और मैं समझती हूँ आपके लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो हलक में बात फंस जाती है जब मैं ये कह रही हूँ कि बात हुई है, हमारे लिए ये अलमिया है, ये क्राइसिस है और हमें केयरफुली देखना चाहिए। ये अगर दूसरे सूबे में हो रहा है आपको पता भी नहीं होगा, उसको छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ दूसरे सूबे में बहुत बुरे हालात हैं, हम अभी उसकी बात कर लेना क्योंकि हम तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी की लेगेसी और उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन देखिए पब्लिक सेक्टर जो इस वक्त अस्पताल हैं उनको बेहतर करना बहुत अर्जेंट वॉर फुटिंग पे करना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, उधर तक वसायल, ये एक बात हो गई। अब हम कोई काम कर भी रहे हैं मसलन, तो हमने एक हल ढूंढा है, साउथ एशिया पूरा, आप इसमें बांग्लादेश कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन वो जनरल सोसाइटी इंडिया की वो सारी केपी बिल्कुल ठीक है, वही है, देयर इज अ क्राइसिस पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में, वसायल कम है, लोग ज्यादा हैं, पॉपुलेशन इज टू मच, ओके, और ये डिस्कशन कोई नहीं कर रहा, और हमें पब्लिक सेक्टर को सर्विस करने के लिए, और पब्लिक सेक्टर अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकता क्योंकि गरीब वहीं जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल जाना है और पब्लिक सेक्टर में सर्विस करना है। तो क्या फिर सिंध ने, और उन दिनों में होती थी थोड़ा बहुत सिंध में, हमने सबने सोचा कि करना क्या, और ये एक्चुअली बीबी की और फिर जदाई साहब की सोच थी कि चलिए हम ऐसा करते हैं पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप पे ले आते, पैसे हुकूमत दे और मैं आपसे कहूँ चलिए ओवेस आप आए और आपकी, आप क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर अस्पताल चला रहे हो या आप बेस्ट टॉप सर्जन हो और आप कमांड कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें, आए हम आपकी सैलरी मैच करते हैं और आपका एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस भी आप ले आए, हम पैसे देंगे, ठीक, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे मैनेजमेंट वगैरह, बट वी विल, अब NICVD देखें, देखिए उसके 8 मैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन देखूंगा, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में यही मॉडल अप्लाई किया गया लेकिन उसके जब स्कूल्स मैंने विजिट किए सक्सेसफुल होता है कहीं नहीं होता ना, लेकिन बहुत जगह सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत जगह सक्सेसफुल, और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटलों को हम अब जिना हॉस्पिटल को अंदर से उठाने के वार्ड बाय वार्ड शुरू कर रहे हैं, कभी चिल्ड्रंस वार्ड, तो वो ये भी, और मैं इतना ज़रूर कहूँगी, मतलब इतनी ऐसी कहानियाँ हैं कि मुझे याद नहीं है, वी आर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट दोज। मैं आपको बता, मैं मेरा सिंध, मतलब अगर मैं सिंध पीपल्स पार्टी हूँ या सिंध इन्फॉर्मेशन हूँ, मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, और अच्छा ये सब का मसला है, हम जब पीटीआई वालों से मिलते हैं जिन्होंने हुकूमत बना ली सोशल मीडिया और जब मैं इवन व्हेन आई वाज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, हम सब की एक कोताही, हम समझते हैं कि हमने कर दिया काम, मूव ऑन, लेट्स हमें अगला, हम पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि हमने इसको टीवी पे डाला के लिए। When was that moment जब ये डिसाइड हुआ कि now this is time Bilawal come forward? I think कोई एक moment नहीं था, एक तो हमने उसके मतलब सियासत में तो आना ही था, ये तो पता है, चेयरमैन तो तब हमने उसको ये कांटों की सेज उसकी 19 साल की उम्र में सर पे पहना दी, उस सीसी ने नोडेरो में बैठे बैठे बीबी की तदफीन नहीं हुई थी और हमने ये किया, वो वसीयत देखी थी आपने, वो जो पर्चा है, मैंने वो क्योंकि सब कोई सब बड़ा जिक्र करते हैं, मैं हाँ। उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है, मैं उनके घर में रहती थी, आई वाज द ओनली ऑफिस बेयरर जो मैं उनके घर में रहती थी, और मैंने उनका सुबह शाम नमक खाया है, ओके, सो नो यू हैव सीन दैट विद योर आइज कि हां जी ये है बेनजीर साहिबा की लिखी हुई दस्तखत की हुई वसीयत है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी 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 मैंने उसको उठा के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं तो नहीं, देखिए ये इस तरह काम नहीं होता है, यू हैव टू बी क्लियर इन योर हार्ट, और हमने अपने दिल से काम किया, उस वक्त भी चेयरमैन को बिलावल को हमने चेयरमैन बनाया, तो उस वक्त ही सर यू नो ठीक है ये आपने मुझे मैंने कहा ये बिल्कुल कांटों की, दिस इज क्राउन ऑफ थॉर्न्स एंड ही हैडन्ट इवन फिनिश्ड स्टडीज, वो खैर वो वापस गया एंड ही केम बैक एंड नाउ ही इज ब्लूमिंग ब्लॉसमिंग, अब तो बिल्कुल वो रज रहे हैं चेयरमैन के रोल में किरदार में, और द गुड थिंग इज
थ्रू आउट बोला कि मैं ज़मीन से ग्राउंड अप सीखना चाहता हूँ. ठीक है, आप लोगों ने मुझ पर ये पहना दिया, बट आई वॉन्ट टू अर्न दिस. बहुत सारी चीज़ें हैं जमहूरियत करते सही होने की ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया शरी साहिबा, आपका वक्त दिया आपने. और आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे. अल्लाह हाफ़िज़.